हेलो स्टूडेंट्स, माइनोर एंड को फैक्टर। बहुत सारे बच्चों को माइनोर एंड को फैक्टर में कन्फ्यूजन है कि सर माइनोर एंड को फैक्टर में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनोर एंड को फैक्टर क्या है? तो बेटा ये माइनोर एंड को फैक्टर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है टर्म, इट इज़ फॉर द डिटर्मिनेंट। ये हम जो पढ़ रहे हैं सिर्फ डिटर्मिनेंट के लिए पढ़ रहे हैं, राइट? ये मैट्रिक्स में नहीं होता है। माइनोर एंड को फैक्टर वो मैट्रिक्स में यूज होता है, ये श्योर है, बट यहाँ पे समझ लेना कि डायरेक्टली इसका यूज नहीं हो रहा है। तो माइनोर एंड को फैक्टर इट इज़ फॉर द डिटर्मिनेंट ऑनली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ बच्चा, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 1, 9, 2। मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिख रहा है बच्चों। डिटर्मिनेंट में माइनर एंड को फैक्टर क्या होता है वो मैं समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो कि माइनर एंड को फैक्टर दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। पहले हम माइनर का डिस्कशन करेंगे, देन आफ्टर को फैक्टर का यूज़ करेंगे। बेटा माइनर में क्या होता है कि हमें एक्सपांड करना है किसी एक एलिमेंट्स को, किसी भी एक एलिमेंट्स को हमें एक्सपांड करना है। किसी भी एक एलिमेंट से अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो मुझे माइनर का यूज़ करना पड़ेगा, राइट? तो माइनर में इम्पोर्टेंस ये है कि बेटा माइनर में कहीं पर भी आपको साइन नहीं लिखनी है। ये 2 है, 6 है, 9 है, 8 है, किसी का भी आप माइनर फाइंड करोगे तो माइनर में कहीं पर भी आपको साइन नहीं लिखनी है। सिर्फ आपको 2x2 मीन्स, 2x2 मीन्स आपको है मालूम है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सॉरी सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ही लिखना है। सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट लिखना है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझ चाहिए कि को फैक्टर है क्या एंड माइनर है क्या। तो माइनर का मतलब है कि आप किसी भी एक एलिमेंट को, किसी भी एक एलिमेंट्स को अगर एक्सपांड करना चाहते हो तो आपको माइनर का यूज करना पड़ेगा। माइंड वेल, किसी भी एक एलिमेंट्स को अगर आप एक्सपांड करना चाहते हो तो, राइट? अगर मुझे 1 को एक्सपांड करना है तो को फैक्टर ऑफ 1, सॉरी माइनर ऑफ वन क्या हो जाएगा? तो ये प्रेस कर दो 7, 8, 9, 2, राइट? तो ये जो वैल्यू है वो माइनर ऑफ को माइनर हो गया, 1 के माइनर हो गया, राइट? अगर 2 का माइनर आपको फाइंड करना है, अब सब बच्चे यही भी एक गलती कर रहे हैं, जब हम इसको पूछते हैं कि 2 के माइनर लिखने हैं तो 2 का माइनर आप कैसे लिखोगे? तो 2 का माइनर यहाँ पे हो जाएगा, 2 का माइनर होता है यहाँ पे माइनर ऑफ टू इज इक्वल टू, ए प्रेस कर दो तो 6, 8 एंड 1, 2, तो ये 4। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। बेटा माइनर में कभी भी आपको यहाँ पे साइन कंसिडर नहीं करना है। कोई भी का एक्सपांड करो, ये चारों में से किसी को भी एक्सपांड करो, तो माइनर में आपको साइन कंसिडर नहीं करना है, वो माइंड में क्लियर रखना बच्चों, ओके? नाउ को फैक्टर, बेटा को फैक्टर अगर हम फाइंड करते हैं, हाँ, तो क्या होता है? अगर हम को फैक्टर फाइंड करते हैं तो को फैक्टर में साइन आता है और को फैक्टर में साइन लेना ही पड़ेगा, राइट? को फैक्टर साइन के लिए ही हम लेते हैं। तो अब हम को फैक्टर फाइंड करते हैं, बट को फैक्टर समझने से पहले थोड़ा पॉइंट आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि ये जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं इसको हम ऐसे लिखते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये हमारे एलिमेंट्स हैं। बेटा को फैक्टर को हम सिंबल में कैपिटल लेटर से शो करते हैं। किसी का भी को फैक्टर अगर हमें लिखना है तो हमें इसको कैपिटल लेटर से शो करना पड़ेगा, राइट?
यहाँ पे ए वन वन की वैल्यू वन हो जाती है, ए वन टू की वैल्यू टू है और ए वन थ्री की वैल्यू फोर है। हम ऐसा यहाँ पे गेस कर रहे हैं या एज्यूम कर रहे हैं, राइट। बट ए वन वन है तो उसका कोफैक्टर क्या होता है? तो इसका जो कोफैक्टर होता है वो कैपिटल ए वन वन होता है। माइंड में क्लियर रखना, किसी भी एलिमेंट्स का कोफैक्टर हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, राइट। तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए वन वन मीन्स ए वन का कोफैक्टर ऑफ ए वन वन, दैट इज मैं यहां पे बाजू में लिख रहा हूं मैं वन, यहां पे वन का मैं कोफैक्टर लिख रहा हूं। तो इसको कैसे लिखते हैं? तो हम ऐसे लिखते हैं ए वन वन, राइट, ए वन वन। अब जो इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन यू राइट द कोफैक्टर, राइट, तो कोफैक्टर लिखते हो तब पहले जो एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करता है, करना है जो एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करता है उसका माइनर लिख दो। व्हाट इज द माइनर फॉर वन? सेवन एट नाइन टू लिख दिया, ओके। मैंने यहां पे माइनर लिख दिया सेवन एट नाइन टू, और आपको यहां पे कोफैक्टर फाइंड करना है तो माइनर को, जो माइनर वाली टर्म होती है, माइनर वाला जो डिटरमिनेंट होता है उसको माइनस वन रेस टू आई प्लस जे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोफैक्टर अगर आपको फाइंड करना है तो माइनस वन रेस टू आई प्लस जे से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि अगर यहां पे वन वन है तो यहां पे माइनस वन प्लस वन आ जाएगा, सेवन टू जा फोर्टीन, नाइन एट जा सेवेंटी टू, तो ये आपका हो जाएगा कोफैक्टर। मीन्स कि अगर कोफैक्टर आपको फाइंड करना है तो कोफैक्टर में जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो साइन की होती है, राइट। तो जब भी आप कोफैक्टर फाइंड करते हो तो आपको साइन पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, माइनस वन रेस टू आई प्लस जे से माइनर को मल्टीप्लाई करना है। जिस एलिमेंट्स का आपको कोफैक्टर फाइंड करना है, जिस एलिमेंट्स का कोफैक्टर आपको फाइंड करना है उसके माइनर को माइनस वन रेस टू आई प्लस जे से मल्टीप्लाई कर दो। आई इट शो द रो, जे शोज द कॉलम, तो आप ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो बेटा। वन मोर क्वेश्चन, वन मोर इलस्ट्रेशन ले रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे समझो कि मैं जो टू है, मुझे टू का कोफैक्टर फाइंड करना है, तो कोफैक्टर ऑफ टू लिख दो पहले, कोफैक्टर ऑफ टू, ऑफ टू इज इक्वल टू, राइट। तो कोफैक्टर ऑफ टू यहाँ पे लिखना है तो पहले इसका पहले माइनर लिखो। तो टू का माइनर क्या होता है? तो वी नो वेरी वेल, दिस वन प्रेस, राइट। तो सिक्स एट वन टू, राइट। अब आप जो चेक करो कि टू कहां पे है, तो माइनस वन रेस टू आई प्लस जे, तो ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट्स है, तो माइनस वन प्लस टू से मल्टीप्लाई कर दो। टू अगर आपको आई प्लस जे याद नहीं रखना है तो सिंपलेस्ट वे यही है कि टू हमने यहां पे हाथ रख दिया। अब टू पे गौर करो कि टू कहां पे है, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम पे है, तो माइनस वन रेस टू वन प्लस टू, तो यहां पे माइनस आ जाएगा, ये आपका ट्वेल्व, ये माइनस एट, तो फोर हो जाएगा, तो माइनस फोर आपका आंसर आ गया। तो ऐसे आप अपने कोफैक्टर फाइंड कर सकते हो। सो माइनर एंड कोफैक्टर आप ऐसे फाइंड कर सकते हो बच्चों। ओके, थैंक यू।